For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, आपने वीडियोस को देखा भी होगा, हमने स्टार्टिंग में एक वीडियो लोड की थी जिसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th का चैप्टर, जिसका हमने ओवरव्यू रीड किया था। ठीक है ना, ओवरव्यू हम डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो में आपको ये भी बताया गया था कि बच्चों हमारे पास कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हम 6 टॉपिक्स में कवर कर सकते हैं। फर्स्ट वीडियो हमारे पास ओवरव्यू के लिए थी, जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियो अभी आपको दिखाई जा रही है, ये स्पेशली साइनेप्स के बारे में। साइनेप्स हमारा एक टॉपिक है, साइनेप्स में बच्चों क्या होता है कि सिग्नलिंग जो सेल्स होती हैं, स्पेशली नर्व सेल जिसका यहां पर डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है ना, तो रिसीव करती हैं सिग्नल्स को, प्रोसेस करती हैं, फिर आगे रिस्पॉन्ड कर देती हैं। ठीक है ना, न्यूरल सिस्टम या नर्वस सिस्टम के फंक्शन में भी आपको ये वाली बात बोली गई थी। ठीक है, तो अभी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल में। साइनेप्स होता क्या है? साइनेप्स बच्चों एक तरह का जंक्शन होता है, जिसमें साइनेप्स क्या होता है, एक तरह का जंक्शन होता है जिसमें एक न्यूरॉन का एंडिंग पॉइंट, सेकेंड न्यूरॉन का स्टार्टिंग पॉइंट, जो बीच में गैप आता है, ये कांटेक्ट में नहीं होते हैं, बहुत माइन्यूट सा गैप रहता है, इस गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। क्या बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, रजिस्टर ने साथ रखना है। ठीक है ना, वो आपने रख लिया होगा, नोट करते रहिएगा जो भी उसमें शॉर्ट टर्म्स बताई जा रही हैं आपको। अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे, उसके जरिए भी समझेंगे इसको। ठीक है ना, तो साइनेप्स क्या होता है, एक वो जंक्शन है जहां पर सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाता है। अब बात यह आती है कि न्यूरॉन के कौन से पार्ट से कौन से पार्ट की तरफ जाता है। ठीक है, तो न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट, फर्स्ट वाले न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट और सेकेंड वाले न्यूरॉन का स्टार्टिंग पार्ट। ठीक है, डायग्राम देखते हैं हम। ये हमारा फर्स्ट न्यूरॉन है जिसका एंडिंग पार्ट आपको यहां पर दिखाया जा रहा है, ये नर्व एंडिंग होती है बच्चों, है ना। ये हमारा सेकेंड न्यूरॉन है जिसका डेंड्राइट यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, इस तरीके से आप यहां पर इसे डायग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, तो साइनेप्स इज अ जंक्शन वेयर एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड न्यूरॉन। क्लियर, ये जो गैप दिखाया गया है यहां पर दो न्यूरॉन के बीच में, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं, साथ साथ रिपीट कीजिए, डायग्राम को साथ साथ नहीं बनाना है आपको। आपको क्या करना है, अभी वीडियो को ठीक से देखना है, समझना है चीजों को रिलैक्स मोड में, डायग्राम कैसे बनाया जा रहा है ये फोकस करना है। जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने रजिस्टर पर डायग्राम को बनाकर देखेंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो हमारा ये फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकेंड न्यूरॉन है। फर्स्ट न्यूरॉन का मैंने आपको बताया था ये एंडिंग पार्ट है, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। ये है हमारा नर्व एंडिंग। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे आयन चैनल्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, आयन चैनल्स।
आप सोचेंगे कि सर ने तो इसको यहां से रफ कर दिया। तो बच्चों ये आप क्या कैसे करेंगे, इसको आप पेंसिल का यूज करेंगे, बीच बीच में फिर उसको इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। और बल्कि अच्छा रहेगा, मैं तो बल्कि आपको ये बोलूंगा, आप घर पर भी एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड अरेंज कीजिए और जितने भी डायग्राम हैं बायोलॉजी में, जो भी डायग्राम्स आ रहे हैं, जो भी फ्लो चार्ट आ रहे हैं, फिजिक्स में रे डायग्राम्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे लाइट चैप्टर में भी हम वीडियो भी बनाएंगे उसके बारे में, ठीक है, तो उन सब की प्रैक्टिस कीजिए। केमिस्ट्री में मेटल एक्सट्रैक्शन को लेकर फ्लो चार्ट दिया हुआ है ना, तो इस तरह की काफी सारी चीजें अपनी बोर्ड पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफी बेस्ट रहता है। तो ये हमारे पास आयन चैनल से बच्चों, मेंशन कर लेते हैं इसको, आयन चैनल। ये जो हमारे पोर्शन है ना, इसमें वेसिकल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? वेसिकल्स। आप रेंडमली 6-7 बना दीजिए उसको, हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह भी होता है, पर मेन हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें वेसिकल मेंशन करनी है आपको। वेसिकल्स, इन वेसिकल्स के अंदर जो मैं से आपको डॉट्स की फॉर्म में दिखा रहा हूं, ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। क्या होता है बच्चों? न्यूरो ट्रांसमीटर। अब ऐसे हर एक वेसिकल के अंदर 6-7 डॉट लगा दीजिए। डायग्राम देखिए क्या ना, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। एग्जाम्स में जब आप डायग्राम बेस्ट बनाएंगे, डिटेल डालेंगे उसमें, नाम आप मैक्सिमम मेंशन करेंगे उसको, अच्छे से लेवल करके चलेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा करके भी, है ना, तो उसी को देखकर क्लियरिटी हो जाती है कि हाँ भाई बच्चे ने कुछ अलग पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो वेसिकल्स के अंदर ये जो डॉट बनाए गए हैं, ये डॉट क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, न्यूरो ट्रांसमीटर। इनका एक नाम भी होता है जो शायद आपकी एनसीईआरटी में या फिर रिफ्रेशर में भी दिया होगा, एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन इसमें बच्चों यहां पर आप इसको CHLIN, एसिटाइल कोलाइन, ये क्या है हमारे पास? एक न्यूरोट्रांसमीटर। जिस समय स्टिमुलस आएगा, मैं डायरेक्शन मेंशन कर देता हूं यहां पर, इस तरीके से स्टिमुलस इस डायरेक्शन में आता है, नर्व एंडिंग तक पहुंचता है। स्टिमुलस क्या होता है ये तो आपको पता है ना, स्टिमुलस एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स होती है विच हेल्प टू इनिशिएट एनी अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्टिमुलस एक तरह की फोर्स होती है जो किसी काम की शुरुआत कराती है, ठीक है। तो यहां पर हमारी वेसिकल्स जब आपस में बम्बार्ड करेंगी, रप्चर हो जाती हैं, तो ये जो केमिकल्स होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जो केमिकल्स है ये यहां पर मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके इस तरीके से पहुंच जाता है और फिर आयन चैनल से नेक्स्ट न्यूरॉन। तो सिग्नल जो था आपका एक से दूसरे न्यूरॉन में चला गया है, किसके जरिए? सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इस पार्ट का नाम, ये जो खाली जगह है इसका नाम क्या है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और जो नीचे सेक्शन दिखाया गया है ये क्या चीज है? डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स। क्लियर बच्चों? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। साइनेप्स इज अ जंक्शन वेयर एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड न्यूरॉन। क्लियर? स्टार्टिंग ऑफ क्या? नर्व एंडिंग। कहां से स्टार्टिंग हो रही है? नर्व एंडिंग से। और कहां पर ये टर्मिनेशन हो रहा है सिग्नल्स का? आपकी डेंड्राइट्स की तरफ। तो फर्स्ट न्यूरॉन की नर्व एंडिंग और सेकेंड न्यूरॉन का स्टार्टिंग पार्ट, मतलब आपका क्या है? ये डेंड्राइट्स। ठीक है ना,
इसको जब हम जूम करते हैं ना तब ऐसा लगता है। अगर आप शॉर्ट में देखेंगे ना या आप न्यूरॉन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वहां पर आपको एक सिंपल फाइबर सा दिखाई देता है, उसी फाइबर को हमने क्लियर करके ऐसे मेंशन किया है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। कुछ भी आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और बच्चों प्लीज याद रखिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं है ये कुछ ही वीडियोस को आप देख रहे हैं या आगे वीडियोस कैसी आएंगी, किस तरह की होंगी, धीरे धीरे हम उसमें और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वीडियो क्वालिटी को लेकर, ऑडियो को लेकर। ये हमारा अभी इनिशियल सेटअप है, ठीक है ना। और तो उस चीज को हम इम्प्रूव करेंगे। बाकी आप अपनी साइड से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और जितना हो सके आप इस टैलेंट को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। थैंक्स बच्चों।